और अब खबर बिजनौर जिले से है, जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर और चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं दोहरे हत्याकांड की वारदात से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने बेटों की हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया है। फिलहाल तीन थानों की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जानकारी के मुताबिक मृतक दोनों युवक बीती शाम से घर से लापता थे। वहीं आज दोनों भाइयों के शव गंगावाला गांव के जंगल में पड़े मिले। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर जिला अस्पताल में भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही पुलिस जल्द ही हत्या के खुलासे की बात कर रही है। तो इस तरीके से बिजनौर में ये दुखद घटना हुई है, जहां दो सगे भाइयों की मौत होने से पूरे माहौल में सनसनी फैल गई है। और इसी के साथ ये बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसमें दो भाइयों को पीट पीट कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। आपको पूरा मामला बता दें कि बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव गंज में काली मंदिर के पास की बात है, जहां गुरुवार देर रात ममेरे और फुफेरे भाइयों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या शराब के नशे में हुई है, कहा सुनी को लेकर हुई है। यह भी बता दें कि पुलिस ने आरोपित को अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देर रात जब पुलिस को यह सूचना मिली थी कि काली माता मंदिर के पास दो युवक के शव पड़े हैं, तो शवों की पहचान टंकियान मोहल्ला निवासी सुखे और दूसरे भाई फुफेरे भाई जिनका नाम है प्रेम, उसके तौर पर हुई है। वहीं मौके से पुलिस को शराब के पव्वे भी मिले हैं और एसपी संजीव त्यागी और एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र के साथ सीओ सिटी अरुण कुमार व शहर कोतवाल रमेश चंद शर्मा मौके पर पहुंचे। एसपी ने परिजनों से घटना की जानकारी भी ली। काम से ये दोनों भाई सगे हैं गायब हुए थे थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत, और उसके बाद जो है आज इनकी डेड बॉडी मिली है। कल इनकी गुमशुदगी लिखी गई थी, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन आज इनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत करके जल्दी ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा और दोषियों को पकड़ा जाएगा। संभवतः गोली मारने से हुई है, पोस्टमार्टम से स्थिति स्पष्ट है। कुछ बातें आई हैं, अभी उसको शेयर करना ठीक नहीं है। लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और पुलिस को सूचित भी किया। वहीं सूचना के घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह पीड़ित पक्ष को समझा कर मामला शांत कराया। उधर डॉक्टर का कहना है कि मरीज की कंडीशन खराब होते ही हमने मरीज को रेफर करने के लिए कहा था, लेकिन परिजन नहीं माने और ऑपरेशन के दौरान दोनों की मौत हो गई।